तो अभी हम हमारा अंडों का स्टैक कलेक्ट करने जा रहे हैं। तो अभी एग्स हो गए ख़त्म, तो अभी हम एग्स देने आए हैं। तो अभी हमने दो ट्रे एग्स ले चुके हैं, ये अभी ऑलमोस्ट एक वीक के अंदर ख़त्म होने चाहिए। जो लोग बोलते हैं ना पाउडर की बॉडी, पाउडर ही सब कुछ है, टू बी ऑनेस्ट ये एग्स ही सब कुछ है। ये 3-4 दिन में ख़त्म हो जाते हैं कुछ कुछ लोगों के, तो मेरे भी कभी कभी ख़त्म होते हैं। मैं कभी कभी ऑलमोस्ट 18-19 एग्स खाता हूँ, बट अभी फ़िलहाल थोड़ी प्रॉब्लम थी इसलिए मैंने कम किए थे, 13 ही खाता था कुछ, बट अभी लेट्स सी। एंड हमने चिकन भी ले ली है, एग्स चिकन। आई विश कि एग्स वाला मेरे घर के कुछ आसपास ही होता, मुझे बहुत दूर जाना पड़ता है एंड साथ में कोई होता भी नहीं, रिस्क रहता है कि अंडे थोड़े थोड़े टूट जाए, तो बहुत धीरे धीरे आना पड़ता है। सो इफ़ यू गाइज नो, मैं काफ़ी सारे चिकन के नए नए अलग अलग रेसिपी ट्राई करते रहता हूँ, बहुत सारे ऑफ कैमरा होते हैं। तो अभी रिसेंटली मैंने एक नया रेसिपी ट्राई किया है जो मैं अभी कल ही बनाया है, एंड लेजिट वो बहुत टेस्टी है, बहुत। सो मैरिनेट करके रखा था, सो इट्स लुक्स लाइक दिस एंड इट इज़ सो ईजी टू मेक। तुम्हें बस सिंपली एक पैन लेना है एंड उसमें तूप डालना है, घी डालना है अच्छे से, और एकदम लो फ्लेम में रख देना है। और अब हमें गैस पूरा लो करके ये पूरा चिकन एक साथ डाल देना है। तो बाद में हमें बस इसको ढक देना है, और अभी जब तक ये बन रहा है तब हम फाई एक ऑमलेट बनाएंगे एक अच्छा। ये रेसिपी बहुत इजी है, मैं इसकी अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, छोटी सी वीडियो होगी लाइक 3-4 मिनट की, बहुत इजी है, बस सब मसाले और मैरिनेट का गेम है। एंड ये जो चिकन की रेसिपी है, टू बी ऑनेस्ट ये मेरे मैं जिस जिम में जाता हूँ ना, उस जिम के ओनर ने, मीन्स राहुल दादा ने मुझे ये एक्सप्लेन की, उसने लाई थी जिम में, इट वॉज सो यम्मी कि आई वुड लाइक प्लीज़ जल्दी से रेसिपी दे दो, एंड मैंने वो ट्राई किया, ट्रस्ट मी दिस इज सो गुड। थोड़ा सा जल गया पैन में भी, थोड़ा सा जल गया, 4-5 पीस, आई डोंट नो, जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ ना कुछ तो ऐसा होता है कि कुछ जल गया वगैरह वगैरह। नाउ जस्ट लुक एट दिस, द टेक्सचर So right now we are just having coffee and मुझे तुम्हें एक और चीज़ दिखानी है जो आज का वीडियो बहुत स्पेशल कर देगा। सो दिस इज़ अ ट्रैप हेलमेट माउंट जो हेलमेट पे लगेगा एंड आपको एक बहुत अच्छा गाड़ी चलाते वक्त व्यू दिखेगा एंड मैं आपसे बात भी कर सकूँगा। सो यस, दिस इज़ द रीज़न कि आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ज़रूर देखना प्लीज़, अब बहुत क्रेजी व्यू होगा। सो जो हेलमेट माउंट है जो मैंने मंगाया है वो किस तरह से दिखता है मैं आपको वो दिखाना चाहूँगा। सो वो इस तरह से दिखेगा, तो ये इस पर ऐसा लगा हुआ है, ये मैंने एक अलग से कवर इस पर लगाया है जो ऑलरेडी मैंने, टू बी ऑनेस्ट ये जो ट्राईपॉड का जो ये फ़ोन जो होल्डर है, फ़ोन होल्डर है वो काफ़ी अच्छा है, बट मुझे फिर भी रिस्क नहीं लेना, तो मैंने ऑलरेडी चिकट पट्टी से बहुत अच्छे से इसको यू नो पकड़ के रखा है, स्टिक करके रखा है, तो ये बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। इधर मेरा फ़ोन आएगा एंड बाद में गिरने के चांसेस कुछ भी नहीं है। मैंने कल भी बहुत सारे शॉट्स दिए
एक टेस्ट ड्राइव पे भी जाके आया। एंड दिस हेलमेट ऑल्सो सो कूल, एंड एंड ये हेलमेट भी बहुत अच्छा है। सी दिस, एकदम आयरन मैन वाली फील आती है। सो इससे मेरी आवाज़ भी आपको आएगी, थोड़ी थोड़ी आएगी बट आएगी, अगर मैं हेलमेट को लाइक इतना पहनूंगा तो अच्छा दिखेगा। सो दैट्स इट, नाउ लेट्स गो फॉर जिम। सो दिस इज हाउ वी आर गोना लुक गाड़ी चलाते वक्त, और ये हेलमेट जिस तरह ऑफ होगा, एंड जस्ट लुक एट दिस। गाड़ी पे अच्छा व्यू आएगा, मुझे थोड़ा अभी ज़्यादा ऊपर देखना पड़ रहा है, बट लेट्स गो। तो अभी हम निकल चुके हैं। ओके, लास्ट टाइम मुझे अभी ये हेलमेट माउंट लेने का इसलिए सोचा क्योंकि मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि कुछ ऐसा POV शॉट मिले मुझे, मैं जब भी गाड़ी चलाऊं। और एल्स मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को भी देखा है, गाड़ी कार में रहते हैं, सब बात करते व्यूवर्स से, तो मेरे पास बहुत कुछ ऐसे बोलने के लिए रहता था बट मैं बोल नहीं पाता था क्योंकि गाड़ी चला रहा हूँ, एक हाथ में गाड़ी है, एक हाथ में ऐसा कैसे बोल सकते हैं। सो राइट नाउ वी विल जस्ट लीव। जस्ट होप कि अच्छे से POV शॉट है, पूरा एकदम गलत ना हो जाए। ओके, कैसा लग रहा है शॉट? आई होप कि काफ़ी अच्छा दिख रहा हूँ, ऑडियो अच्छे से आ रही हो मेरी, मे बी शायद हवा की आवाज़ ज़्यादा आ रही होगी, आई डोंट नो एनीथिंग। ऑडियो चेकिंग मैंने इतने अच्छे से नहीं किया क्योंकि ऑडियो चेकिंग के लिए मुझे शायद एक माइक लेना पड़ेगा अलग से। सो राइट नाउ वी आर जस्ट गोइंग, अभी हम गुंजन को पिकअप करेंगे। अब तक ये आया भी नहीं, चल ले आगे जाते हैं थोड़ा आगे, आगे तो दिख ही जाएगा वो गुंजन, और चलो वो देखो। माउंट पे जय श्री राम। चलो तेज बोलो तुम्हें, तुला काल शायद आपको दिख रहा होगा 99% 96% fuck you bitch, कैसे हमें तो इतने मार्क्स नहीं आए कभी, अब वो भी देखो 98 रियल अकेडमी सॉन्ग्स। आज हमारा शोल्डर एंड आर्म्स है, तो शोल्डर में हम सबसे पहले आज लैटरल लेजेस लेंगे, उसके बाद रेड लेग्स, फिर बाइसेप, फिर ट्राइसेप। तो लैटरल लेजेस के हम 3 से 4 सेट लेंगे, बहुत एकदम यू नो फटीक हो जाए, मसल फेलियर टच करेंगे। रेड लेग्स में भी सेम मैं 4 सेट लूँगा, एंड उसके बाद अपने सेम 3 और बाइसेप के 3 वेरिएशन, ट्राइसेप के भी 3 वेरिएशन। Within my referee, there's holy light.
So the workout was crazy. मजा आया आज. अरे बाप रे, इफ यू आर ड्राइविंग इन शाहपुर यू कैन लर्न एवरीथिंग. शाहपुर में सिर्फ एक ही रूल है गाड़ी चलाते वक्त, देयर इज नो रूल्स. There is no fucking rules. कैसे भी घुसो चले जाओ, that's it. चल बाय बाय, उधर बैठो. हाँ उधर लेग्स है, चल बाय. Feelings so awkward. It always be like कि मुझे without वो क्या बोलते कांच लगा के बाइक चलानी पड़ेगी, क्योंकि मेरी आवाज़ फिर नहीं आएगी, थोड़ी भी नहीं आएगी. बट लेकिन आज का वर्कआउट सेशन बहुत सही गया, टू बी ऑनेस्ट, सच में बहुत सही.
गाड़ी अभी बस पार्किंग में लगा देखिए। एक अच्छा सा प्रोटीन पियेंगे एंड एक केला खाएंगे। आज का वर्कआउट सच में बहुत अच्छा गया टू बी ऑनेस्ट। आई नो ये मैं हमेशा बोलता हूँ, हर एक वर्कआउट के बाद बोलता हूँ कि आज का वर्कआउट बहुत सही गया, काफ़ी अच्छा पंप आया। टू बी ऑनेस्ट आज मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना अच्छा पंप आए, क्योंकि आज जिम जाने से पहले मेरा थोड़ा मैं इतना वीकनेस फील हो रहा था, मैं इतना मेरे में थोड़ी सी भी ताकत नहीं थी कि मैं आज जिम जाऊँ, वर्कआउट करूँ और एनीथिंग एल्स। बट फिर भी मैंने खुद को ऐसा पुश किया, एक कॉफ़ी पी एंड उसके बाद मैं जिम गया। एंड जब मैं वर्कआउट स्टार्ट किया शोल्डर के साथ एंड मैंने फुटेज चेक की, मेरे आर्म्स इतने छोटे लग रहे, आई डोंट नो, मैं बहुत स्किनी लगने लगा। बट फिर भी किया एंड में काफ़ी अच्छा पंप आया, काफ़ी अच्छा मसल कॉन्ट्रैक्शन मिला। सो इससे एक सीखने को मिलेगा कि जब भी, तो अगर वीकनेस वगैरह हो रही है, कुछ भी थोड़ा सा लग रहा है कि आज अच्छा वर्कआउट नहीं होगा, फिर भी खुद को पुश करो, जिम जाओ एंड बस थोड़ा ट्राई करो, जस्ट पुश करो खुद को, जिम को छुट्टी मत मारो, नेवर स्किप जिम। सो यस, आज तो बहुत सही गोल्डन आवर चल रहा है।